अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां पुलिस कंट्रोल रूम में डीजे संचालकों के साथ साथ गरबा आयोजकों की बैठक ली गई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने डीजे संचालकों को निर्देश दिया है कि गरबा डांडिया के दौरान उनको महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है। जिन स्थानों पर डीजे लगाए जाएंगे वहां पर महिला बालिका सुरक्षा की जिम्मेवारी डीजे संचालकों को निभानी होगी। किसी भी प्रकार की घटना या बड़ी जानकारी होने पर पुलिस प्रशासन को सूचना देनी होगी, जिसकी जानकारी पुलिस के द्वारा गोपनीय रखी जाएगी। वहीं गरबा संचालकों ने भी आश्वासन दिया है कि उनके द्वारा किसी भी प्रकार से जाति धर्म या सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले गीतों का उपयोग नहीं किया जाएगा। आयोजित बैठक के संबंध में पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पहली प्राथमिकता बालिका सुरक्षा है, जिसके लिए वह बैठक आयोजित की गई है। आइए सुनते हैं पुलिस अधीक्षक ने क्या जानकारी दी है। आराम से फोटो खींच सकता है ना, इतना आपको हर कर देना है कि हमको कार्रवाई के लिए बाद में उसको ढूंढना नहीं पड़े और हमारा टाइम खराब नहीं हो। इतना हर आपने कर दिया है, ज्यादा आप पुलिस का सहयोग कर रहे हैं तो वो लोग कैसे बाहर रहेंगे? ठीक है, हमने पीडीएफ डाल दिया, पीडीएफ डाल दो सबने, तो मुझे दे दो, मैं नेट पे दे दूं, जरा मुझे दो। अच्छा एक काम करो, पीडीएफ बना दो, पीडीएफ दे दो, करवा दे। अभी सुनो, अभी सुनो, अभी से बैठ जाओ, अभी से मत करो। अभी हम अपने सभी थाने जो है शहर के अभी ग्रुप पर डाल रहे हैं डीजे वाला, तो आप लोग क्या करोगे इसको अपने थाने के व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड कर दोगे और इनमें से दो चार उत्तर के नंबर भी आप लोग अभी तुरंत सेव कर लो। डीजे वाले की आज आपकी बैठक करी है, क्या उद्देश्य आज जो बैठक अभी आपने देखा डीजे संचालकों की ली गई है, आगामी त्योहारों को देखते हुए, आगामी जो नवरात्रि के दौरान गरबा फेस्टिवल का आयोजन होता है उस दौरान काफ़ी महत्वपूर्ण रोल रहता है डीजे संचालकों का, और आज उनको उस मीटिंग के दौरान इस बात का चर्चा की गई कि महिला सुरक्षा बालिका सुरक्षा में आपकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, आपको इसका निर्वहन करना है। आप लोग जहाँ भी कार्यक्रम में डीजे संचालन कर रहे हैं वहाँ पर आप लोग पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं, और अगर आपकी कोई इन्फॉर्मेशन हम तक आती है तो आपका नाम और नंबर हम गोपनीय रखेंगे, और जो भी असामाजिक तत्व उस गरबा स्थल में प्रवेश कर गए हैं उनको पुलिस पार्टी पहुँच के अपनी कार्रवाई करेगी। आपको लगता है जब तक पुलिस पार्टी को आने में समय लग रहा है तो आप फोटो वीडियो ले लें। इन सब बातों को सुन के गरबा संचालकों ने भी अपनी सहमति व्यक्त की, और हम लोग उनको एक फॉर्म भी दे रहे हैं जिसमें डिटेल वो लोग भर के दे रहे हैं कि वो लोग भी सभी नियमों का पालन करेंगे, माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश का पालन करेंगे, साथ ही साथ वो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले कोई भी गीत संगीत का संचालन भी नहीं करेंगे। ऑटो संचालकों की आपने बैठक करी है, इसके लिए क्या उसका मुख्य उद्देश्य है, क्या